हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है एक माँ की संतानें भाई दो अनजाने स्टार प्लस महाभारत का जो सॉन्ग है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगर हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गाइज यहाँ पे वीडियो खत्म हो गई और बहुत इमोशनल था। इसमें हमने देखा उनको लास्ट तक नहीं पता चला कि वो उनके भाई, बार बार यही आ रहा था एक माँ की संतान है भाई दो अनजाने। इवन जब इतनी बार जब उनको पांडवों को वो दिया गया था कि उनको अपनी पहचान छुपानी है कुछ सालों के लिए, तब उन्होंने उनको इतनी बार अज्ञातवास उन्होंने उनको इतनी बार एनकाउंटर किया, लेकिन आमने सामने फिर भी वो नहीं पहचान पाती कि हाँ एक ही माँ के हैं। ऐसा अर्जुन को लगता था कि उनका जो भाई, बड़ा भाई जो युधिष्ठिर है, वो सबसे ज्यादा दानवीर और सबसे ज्यादा दयालु है। तो टेस्ट करने के लिए भगवान कृष्ण और वो दोनों ऋषि का वेश करके कर्ण के पास गए थे, उसका भी शुरू में रोल दिखाया गया था। बहुत इमोशनल सॉन्ग था। इवन उनको, पांडवों को फिर रिग्रेट भी हुआ था जान के कि आए मेरा भाई है, जब वो लास्ट में उनके पैर छू रहे थे। महाभारत में लाइक कर्ण का जो रोल था वो अलग ही दिखाया गया था। सबसे पहले जब उनका जन्म हुआ था तब भगवान सूर्य के आह्वान पे जब वो उसका मंत्र चेक कर रही थी, जब उनकी वो माता जब वो हो गया था, पर बाद में उनको गंगा में बहा दिया गया था। लेटर ऑन उनको जाके एक नीचे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ, जबकि वो एक ऊंचे परिवार से आते थे। तो सूर्य उनकी कला थे वो। सूर्य पुत्र थे और उनकी कला बहुत अच्छी थी। जब भी उनको मतलब ऐसे लो कास्ट में ट्रीट किया गया था, आगे जाके बाद में उनको कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी, बाद में गुरु परशुराम से ली थी ये बोल करके मैं एक वो ब्राह्मण
पर वो क्षत्रिय थे, वो कुछ वो बिच्छू के काटने पे उनको पता चलने पे श्राप मिल गया था कि ये शिक्षा में वापस नहीं दे सकता मगर आखिरी समय पे काम नहीं आएंगी। आखिरी समय वो सब भूल गए थे। आगे जाकर बाद में एक ऋषि की गाय मारने के कारण श्राप मिला था कि आखिरी समय पे जिस रथ पे खड़े होकर उन्होंने उस गाय को मारा था तो वो रथ ही उनके काम नहीं आएगा। और वो हाँ, इवन लास्ट में जब उनके लिए उन्होंने अर्जुन ने तीर चलाया तो वो वही समय था जब वो हेल्प नहीं कर पाया। हाँ, जमीन पे धस जाएगा वो, इसीलिए वो श्राप, मतलब कई सारे श्राप इस तरीके से लगे थे कि कुछ हो भी नहीं पाया। आगे जाकर उनका कवच ववच सब छिन गया था, वो जब दान दे दिया था करण से, जब इंद्र भगवान वो कवच मांगने के लिए आए थे तो इतना मतलब ज्यादा दानवीर था कि उन्होंने अपना कवच भी दे दिया था इंद्र भगवान को दान में, अपने कुंडल दे दिए थे। और सही मायनों में देखा जाए तो इंसानियत इंसान वही थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता, जो मैंने दुर्योधन मेरा फ्रेंड है, उन्होंने दुर्योधन के लिए लड़ाई लड़ी जबकि मिथुनचा ने भाई, जब तुमको पता था कि वो गलत साइड पे है, उन्होंने बोला मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा अपना ये भुगतने के लिए, ऋण चुकाने के लिए, फिर भी उन्होंने दुर्योधन की मदद की थी। और आगे जाके जब उन्होंने वो माताओं जो कुंती को वादा भी किया था, उन्होंने कुंती माता को वादा किया था कि हम आपके बेटों को नहीं मारूंगा मैं, कुछ ऐसे करके। और कर्ण के बारे में ये भी कथा है कि लाइक पहले के समय में नर और नारायण करके भगवान ने रूप लिया था, जिसमें एक जो राक्षस था, मतलब वो सूर्य भगवान का आह्वान करता था, तो उन्होंने भगवान सूर्य के उसमें छत्रछाया में जाके छिप गया था। भगवान के आह्वान करने पे भी सूर्य देव ने उनको नहीं दिया था, तब भगवान ने श्राप चढ़ाया था कि अगले जन्म में वो उनका मतलब रूप लेंगे। तो 1000 कवच थे, उनमें से 999 टूट गए थे, वो एक कवच में लाइक सूर्य भगवान बना था। इवन कर्ण को दुख भी हुआ था जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में वो किया गया था, उन्होंने उनसे माफी भी मांगी थी कि मैंने, आई थिंक ये अभिमन्यु का भी एक टर्निंग पॉइंट है, न्यू महाभारत में था, मैंने न्यू महाभारत में देखा था। पहले अर्जुन लाइक ऊपर से लड़ रहे थे कि रिश्तेदार है नहीं लड़ना चाहिए, मगर जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी जब अभिमन्यु की, तब से एक अलग ही उबाल देखने को मिला था अर्जुन के दिन, जब वो शायद 9वें दिन या 10वें दिन हुई थी, तब उसने दुर्योधन का बेटे को भी मारा, लक्ष्मण आकर के उनके बेटे को मारा था अभिमन्यु ने। महाभारत करण का रोल एक्चुअली अच्छा दिखाया है, जब उन्होंने द्रौपदी चीरहरण में भी कुछ अपशब्द बोल दिए थे वहां पे, उसके बाद भी उनको पछतावा हुआ था कि मैंने ये गलत बोला उनके लिए, तो बोला था वो गलत, वो खाली मित्रता निभाने के लिए ही उसमें बोला गया है, मजबूरी थी उनकी। कर्ण के अंदर लाइक सूर्य भगवान और राक्षस दोनों के रोल थे, तो सूर्य भगवान के कारण ज्यादा दानवीर भी थे, उनका एक अंश था उसके अंदर। कुंती जी को ऐसे पर ठीक है, भगवान जी का ये सब है कि कुंती जी ने उन्हें छोड़ा और फिर उनको पूरी उम्र ऐसे रहना पड़ा, ये भी कुछ फल होंगे, कुछ पाप होगा। महाभारत में लाइक कर्ण ने सारे पांडवों को हरा दिया था, पांचों पांडवों को। मैंने ये भी सुना कि कर्ण के अंदर पांचों पांडवों के गुण थे, अर्जुन जितना वो अर्जुन जितना अंदर तीरंदाजी भी थी, और लुक्स में भी सेम दिखते थे, मतलब उतने ही ज्यादा हैंडसम बोला जाता है। और भीम का वो गदा वाला भी था, पांचों पांडवों के वही ना, पांचों पांडवों को उनके फील्ड्स में हरा देना, वो पर उन्होंने किसी को हराया, वो सबसे बड़े पांडव थे। लाइक बोलते हैं कि उनकी मृत्यु पर पांचों पांडवों ने उनके पैर छुए थे, अभी जो आया था लास्ट में बहुत इमोशनल हो गया था सॉन्ग में, को शुरू में चलो हाँ ठीक है दो भाई अनजाने वो सब था उसमें रोना नहीं आया, लास्ट वाला थोड़ा ज्यादा इमोशनल था। बोला जाता है कि भगवान मतलब कर्ण की इच्छा थी कि लाइक जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हो वहाँ कोई भी पाप ना हुआ हो, तो उनके भगवान के हाथों पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था, कृष्ण भगवान कि उनके हाथ में कुछ पाप नहीं हुआ, कोई पाप नहीं हुआ, दुनिया की ऐसी जगह जहाँ पे कोई पाप ना हुआ, तो वही जगह थी। गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।